लोकतंत्र की हत्या हुई है। राहुल गांधी आदरणीय को जो निष्कासित किया गया, सदस्यता समाप्त किया गया। आप शून्यकाल में उठावे, आप पोस्टर हटा दें, पोस्टर हटाइए। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं आप बैठिए, पोस्टर लेंगे। माननीय सत्ता और विपक्ष, आप अपना स्थान पर जाएं। मैं अल्पसूचित प्रश्न पुकार रहा हूँ, अल्पसूचित प्रश्न हो रहे हैं, सरकार जवाब दे रही है। श्री अजीत शर्मा सर, अभी सर अल्पसूचित का जवाब हम नहीं दे रहे हैं, अभी सकीन साहब जी बोल रहे हैं। माननीय अजीत शर्मा जी, आप जो है पूरक पूछें। सर पहले जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, राहुल गांधी आदरणीय को जो निष्कासित किया गया, सदस्यता समाप्त किया गया, उस पर सर पहले हम लोग विरोध कर रहे हैं। चलो चलो चलो, आप शून्यकाल में उठावे, आप अपने बात को शून्यकाल में उठा सकते हैं। सर पहले उस पर निर्णय होना चाहिए सर। माननीय सदा श्रीमती शालिनी मिश्रा, शालिनी मिश्रा, माननीय मंत्री विधि विभाग। महोदय उत्तर नहीं आया है, उत्तर माननीय मंत्री जी पढ़ दें एक बार। आप पोस्टर हटा दें, पोस्टर हटाइए, पोस्टर हटाइए। श्रीमती शालिनी मिश्रा, महोदय उत्तर नहीं आया, माननीय मंत्री जी एक बार उत्तर पढ़ देंगे। माननीय मंत्री विधि विभाग, पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम। माननीय मंत्री विद्युत विभाग कुछ कह रहे हैं, आप बैठ जाइए। विद्युत मंत्री बोल रहे हैं, आप बैठिए। विद्युत मंत्री बोल रहे हैं, आप बैठिए। विद्युत मंत्री क्या कह रहे हैं सुनिए। माननीय मंत्री विधि विद्युत विभाग। अरे महोदय, ये क्वेश्चन जो है ट्रांसफर कर दिया गया है नगर विकास विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है। नगर विकास विभाग को स्थानांतरित है। श्री संपर्क कर मंदिरों मार्शल पोस्ट करेंगे। बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 34 के में प्रावधान है मार्शल कि यदि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को स्वयं सार्वजनिक मंदिर के संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है तो कोई हिंदू आवेदन के द्वारा ऐसी सूचना उपलब्ध कराता है तो जांचो प्रांत न्यास के निबंधन संबंध में निर्णय लिया जाता है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद हमेशा निबंधन को प्रोत्साहन देती है। न्यास से संबंधित अभी अनिबंधित न्यासों के संबंध में सार्वजनिकता संबंधित तथ्य प्राप्त होने पर निबंधन किया जाता है। यह कार्य सतत चलने वाली प्रक्रिया है। धार्मिक न्यास की अरे आप अपना जगह पर तो जाइए, कब्जा से मुक्त करने ग्रहण कीजिए। दोनों हेतु अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत माननीय न्यायाधीश आप अपना स्थान पर जाएं। मैं अल्पसूचित प्रश्न पुकार रहा हूँ और सरकार जवाब दे रही है। निश्चित किए जाते हैं अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी न्यास का न्यायाधारी पुजारी सेवायत महंत प्रबंधन न्यास समिति को 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर नहीं दे सकता। किसी भी न्यायाधारी को न्यास की संपत्ति को विक्रय करना बंधन अल्पसूचित प्रश्न हो रहे हैं, सरकार जवाब दे रही है। सरकार बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से कोई पुनर्नियुक्ति प्राप्त न हो, किसी भी तरीके से किसी भी शिकायत प्राप्त होने पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद द्वारा कार्रवाई की जाती है। किसी भी मठ मंदिर के सार्वजनिक स्वरूप पाए जाने पर उसका निबंधन बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत किया जाता है। अधिनियम मठ मंदिर की
भूमि का विवरण यथा खाता खसरा रकबा मौजा एवं वर्तमान फोटो आदि प्राप्त होने पर अधिनियम की वर्णित प्रावधानों के तहत निबंधन किया जाता है। निबंधन किए जाने वाले मठ मंदिर की जो भूमि संपत्ति होती है उसका विवरण भी निबंधन पंजी में अंकित किया जाता है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।